टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे गांधी युग के बारे में। गांधी युग, तो गांधी के बारे में क्या कहा जाता है? गांधी जी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिए, पूरा जीवन अर्पित कर दिए, और राष्ट्रीय एकता के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिए, जीवन बलिदान कर दिए। ठीक है, अब देखेंगे जीवन परिचय गांधी जी का क्या है। तो इन्होंने क्या क्या, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और एकता के लिए अपने को बलिदान कर दिए। अब इनका जीवन परिचय देखते हैं, गांधी जी का जीवन परिचय। ठीक, इनका जो जन्म हुआ था 1869 और इनकी मृत्यु हुई थी 1948 में। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। माता पिता इनके कट्टर हिंदू थे। इनके पिता का जो नाम था करमचंद गांधी, इनके पिताजी का जो नाम था वो, पिता का नाम करमचंद्र गांधी, जिनको काबा गांधी भी कहते हैं, काबा गांधी यह एक दीवान थे, मतलब वकील टाइप के थे। ठीक, इनकी जो शादी हुई थी कस्तूरबाई जिनको कस्तूरबा गांधी भी कहते हैं। मेन नाम था कस्तूरबाई, इनको कस्तूरबा गांधी भी कहते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1944 में पूना जेल में स्वर्गवास सुधार गई थी, स्वर्गवास सुधार गई थी। इनकी मृत्यु 1944 में पूना के जेल में हुई थी। ठीक है, गांधी जी बैरिस्ट्री की जो डिग्री प्राप्त की थी वह ब्रिटेन से प्राप्त की थी। बैरिस्ट्री की जो डिग्री प्राप्त की थी वह इंग्लैंड या ब्रिटेन, दोनों एक ही चीज़ है, वहाँ से प्राप्त की थी। ठीक है, इन्होंने राजकोट और मुंबई में इन्होंने वकालत की थी, जिस पर इनको विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद 1892 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका से इनको दक्षिणी अफ्रीका से बुलावा आया। जो बुलाए थे वे भारतीय मूल के निवासी थे। वो वहाँ पे क्या नाम है, अफ्रीका में व्यापार करते थे। उनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उनका जो नाम था दादा अब्दुल्ला। ठीक है, और ये मुकदमे के लिए आए थे, तो वहाँ पे ये 1993 में अब्दुल्ला जी का मुकदमा देखने के लिए अफ्रीका चले गए। 1893 में गांधी जी अफ्रीका चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका चले गए गांधी जी। जब
अफ्रीका में डरबन एक प्रांत है, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, प्रिटोरिया, डरबन से जब प्रिटोरिया रेल माध्यम से जा रहे थे, प्रथम से ट्रेन का डिब्बा था, जब वे मृत स्वर्ग पहुँचे, मृत स्वर्ग पहुँचे, तो इनको एक इंग्लैंड अधिकारी ने डिब्बे से पुलिस के माध्यम से बाहर कर दिया, क्योंकि भारतीयों को ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ सफ़र करने पर पाबंदी लगी थी, वहाँ पर रंगभेद होता था भारतीयों के साथ। ठीक है, तो गांधी जी 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक्ट का विरोध किया, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। यह रंग भेद से संबंधित था कि मतलब अगर अफ्रीका में कोई व्यक्ति भारतीय है और अफ्रीका में रह रहा है तो उनके साथ एक प्रकार का टैक्स लगता था। तो वहाँ पे जब स्थापना की और इसके खिलाफ़ जब लड़े तो इन्हें वहाँ पर इस संबंध इससे सम क्या हुआ कि सफलता मिल गई कि टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा रंगभेद से संबंधित। ठीक है, फिर 1894 में इन्होंने नटाल, इंडियन कांग्रेस की, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1894 इन्होंने वहाँ पर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, और उसके बाद इन्होंने टालस्टाय फार्म की भी स्थापना की, वहीं पे टालस्टाय फार्म की स्थापना की और वहीं पे रहने लगे, टालस्टाय फार्म में रहने लगे। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता, रस्किन, टालस्टाय, आदि के ग्रंथों को पढ़ा और उससे कुछ अपने आप को मोटिवेट किए। ठीक है, इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकाला था, इनका जो प्रथम अखबार था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो 1904 में ही इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। यह पूछा जाता है फिनिक्स आश्रम के बारे में कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना उन्होंने कहाँ किया था, तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में किया था, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो जो जो काले कानून थे लगभग 1914 तक अंग्रेज़ों ने वापस ले लिए थे, काले कानून जितने भी थे रंगभेद से संबंधित उसको सब अंग्रेज़ों ने अफ्रीका से वापस ले लिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अवज्ञा आंदोलन जिसे सत्याग्रह नाम दिया गया, जिसे सत्याग्रह नाम दिया, इन्होंने सबसे पहले 1906 में अफ्रीका में प्रयोग कर चुके थे, दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग कर चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग जो किए थे अफ्रीका में किए थे 1906 में, जिसका कहते हैं एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, उनको वहाँ पे बहुत सफलता मिली थी। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज, पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज, जिन्हें जिस पुस्तक में इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, हिंद स्वराज पुस्तक में इन्होंने स्वराज शब्द का उपयोग किया था। उसके बाद इन्होंने 1915 में भारत चले आए, 1915 में अफ्रीका से कहाँ आ गए, भारत आ गए। ठीक है, और इनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, इनका संपर्क गोपाल कृष्ण
गोखले से हुआ, जिन्हें इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने सुझाव दिया कि पहले एक वर्ष तक भारत का दौरा करें, दौरा करने के बाद ही कोई आंदोलन यहाँ पर करें। इन्हीं की सलाह पर ही गांधी जी भारत की सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। ठीक है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में जब प्रवेश किया था उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। तो 1915 में गांधी जी आए थे, फिर एक वर्ष का दौरा किए, 1916 हो गया, फिर 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो इसमें तो जब 1915 में आए तो एक साल दौरा किए, उसके समय विश्व युद्ध चल रहा था। इन्होंने भारतीयों से सेना में भर्ती होने को कहा, गांधी जी ने भारतीयों से सेना में भर्ती होने को कहा ये सोचे कि जब लोग भर्ती हो जाएंगे, ब्रिटेन जब युद्ध जीत जाएगा तो भारत को आज़ादी मिल जाएगी, भारत को स्वराज मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी जो भर्ती कराए लोगों को सेना में, इसीलिए इनको लोग भर्ती करने का सर्जेंट भर्ती करने वाला सर्जेंट कहते हैं, कि मतलब इनके निवेदन से लोग सेना में भर्ती हो गए। और 1916 में इन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना की। 1916 में गांधी जी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ओके, थैंक यू।